हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में हमारा चैप्टर जो है चल रहा है टिम्बर। तो हम जो है टिम्बर के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जो है हम देख लेते हैं कि पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने टिम्बर के बारे में जो है कौन से टॉपिक पढ़े थे, और इसके बाद से उसके आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने पिछले वाले लेक्चर में जो है पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, माइक्रो स्ट्रक्चर और मैक्रो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। और इसके बाद से जो इसके पिछले वाले लेक्चर में जो हमने कवर करा था उसी के बारे में जो है हमने लिखा था, ठीक है। तो हमने जो है आउटर बार्क, इनर बार्क, कैम्बियम लेयर, सैपवुड, इन सब के बारे में जो है लिखा था। और इसके बाद से टिम्बर के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने समझा था, ठीक। तो इस वाले वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं टिम्बर के सीजनिंग के बारे में। और सीजनिंग से पहले जो है हम बात कर लेते हैं टिम्बर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है। देखो, एक होता है प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को हिंदी में कहते हैं गुण। और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTERISTIC, ठीक है। इसको बोलते हैं अभिलक्षण, अभिलक्षण या ऐसा कुछ हिंदी में इसका नाम होता है, अभिलक्षण, ठीक है। तो बस इसको ऐसे ही समझ लो। तो देखो, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण। तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी चीज में क्या गुण है। और ये जो गुण होता है ये जो है, जैसे मान लो कि हम क्या है, इंसान है, तो हम जो है प्रॉपर्टी उसी को कहते हैं जो क्या है, हमारे लायक है, समझ रहे हो ना। जैसे कि लोहा है, तो लोहे में जो है स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो वो क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही जो चीजें हमारे उपयोग में होती है उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ये जो है उसमें पहले से ही होता है। जैसे कि मान लो कि हम कॉन्क्रीट की बात करें, तो कॉन्क्रीट क्या है कि कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा होती है, ठीक है। और उसकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक। तो कंक्रीट की जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो, सॉरी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो गुण है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो ज्यादा है, उसमें है, कंक्रीट में जो है पहले से ही है, हमने उसमें जो है कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक इसकी जो है प्रॉपर्टी हो गई। जबकि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हमें जो चीजें चाहिए होती हैं किसी चीज में, उसे हम कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक। मतलब हमारी डिमांड हो गई, जैसे कि मान लो किसी ने अपना डिमांड रख दिया कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो उसने कई सारी डिमांड रख दिया, तो ये सारी क्या चीजें हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है। वो कोई चीज मांग रहा है और उसमें जो है उसने डिमांड किया है कि ये सारी चीजें जो है होनी चाहिए, तो वो हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, ठीक है। तो जब हम जो है सोचते हैं किसी चीज में कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो हम जो है उसे कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और जब हम किसी चीज में वो चीज पहले से ही होती है, तो वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे टिम्बर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद से जो है हम सीजनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले जो है हम यहाँ पे पेन को चेंज कर लेते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिम्बर, गुड टिम्बर, ठीक है। टिम्बर तो है ही है, अच्छा टिम्बर के लिए हमें जो है क्या क्या चीजें जो है उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टिम्बर। तो एक अच्छी टिम्बर में जो है क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, यानी कि हम जो है चाह रहे हैं कि उसमें जो है ये प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो पहला जो है क्या होना चाहिए इसमें, इसकी जो एनुअल रिंग है वो नैरो होनी चाहिए, ठीक है। NARROW, नैरो, ANNUAL, एनुअल रिंग। तो जो इसकी एनुअल रिंग है क्या होनी चाहिए, वो नैरो होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखते हैं क्यों नैरो होनी चाहिए, क्योंकि CLOSER, क्लोजर, क्लोजर द रिंग, ग्रेटर, GRETER, ग्रेटर इज द
स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, देखो हमने इसके पीछे जो है ऊपर डिस्कस किया कि अगर कोई वुड है और उसका जो है एनुअल रिंग अगर पास पास होगा तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एनुअल रिंग क्या है एकदम कॉम्पैक्टेड है, ठीक है ना। और जब एनुअल रिंग एकदम पास पास होगा तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो अच्छी क्वालिटी का एक टिम्बर हो उसमें क्या हो कि जो एनुअल रिंग हो वो क्या हो, पतला हो, ठीक है। और पतला होने के बाद जब वो पतला होगा इसका मतलब क्या है कि ये जो है क्या है बहुत ही डेंस है, ठीक है, समझ रहे हो। जब एनुअल रिंग पतला होगा तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही डेंस होगा। और जब ये डेंस होगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्लोजर का मतलब है कि जब एनुअल रिंग जो है बिल्कुल पास पास होगा तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो है एनुअल रिंग क्या हो, इसकी जो है पास पास हो, कॉम्पैक्ट, COMPACT, कॉम्पैक्ट मेडुलरी, MEDULLARY, कॉम्पैक्ट मेडुलरी रेज। तो यहाँ पे जो मेडुलरी रेज हो वो क्या हो, कॉम्पैक्ट हो। कॉम्पैक्ट का मतलब सघन हो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेडुलरी रे जो है यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, मेडुलरी रे है ये सारी की सारी। तो जो है ये आपको रेडियल दिख रहा है, ये रेडियल जो है ये सब क्या है, मेडुलरी रे है। तो एक अच्छी क्वालिटी के टिम्बर में, गुड क्वालिटी के टिम्बर में क्या होना चाहिए कि ये जो सारी मेडुलरी रे है ना वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, मतलब कि बहुत सारी होनी चाहिए, समझ रहे हो। जैसे कि अब मैं इसको बिगाड़ना नहीं चाहता, मैं नीचे बनाऊंगा, कॉम्पैक्ट मेडुलरी रे हो। इसका मतलब ये है कि ये मान लो कि क्या हो गया, टिम्बर हो गया, तो बहुत सारी जो है पास पास मेडुलरी रे हो, समझ रहे हो, पास पास ऐसे ऐसे। तो जितना ज्यादा जो है मेडुलरी रे एकदम नजदीक नजदीक होगा, कॉम्पैक्ट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ जो है ज्यादा रहेगी। मतलब कि ये जो एनुअल रिंग है ये अलग नहीं होंगे और ये जो एनुअल रिंग जो है आपस में क्या होंगे, मतलब चिपके होंगे, और जो टिम्बर है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, समझ गए ना। तो एनुअल रिंग कॉम्पैक्ट मेडुलरी रे होना चाहिए, और एनुअल रिंग जो है वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो पतला होना चाहिए। और इसका कलर क्या होना चाहिए, डार्क कलर का होना चाहिए, DARK, डार्क, COLOUR। तो इसका कलर जो है डार्क होगा तो जो है ठीक रहता है। और यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए, UNIFORM, यूनिफॉर्म, TEXTURE। तो जब वो क्या होगा कि ऑटोमेटिक ही जब वो क्या होता है कि जब कॉम्पैक्ट होता है उसकी जो एनुअल रिंग है वो जब पास पास होती है तो कलर जो है डार्क हो जाता है। हमने ऊपर देखा, रियल पिक्चर में भी हमने देखा कि जो सेंटर वाला पोर्शन था, जो हार्ट वुड वाला जो पोर्शन था वो क्या था, डार्क था। और इसके बाद से टेक्सचर जो है इसका यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कि जो लकड़ी हम वहां से निकालेंगे वो जो है सारी जो हर जगह जो है एक समान होनी चाहिए। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो टेक्सचर समान कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लो यहाँ से मैंने एक छोटा टुकड़ा काटा तो इसकी डेंसिटी कुछ अलग है, फिर मान लो यहाँ से काटा तो इसका कुछ अलग है। तो देखो यहाँ से अगर टेक्सचर समान कहने का मतलब कि मान लो इधर क्या है कि एनुअल रिंग एकदम पास पास है और इधर क्या है कि एनुअल रिंग जो है दूर दूर है, तो इसका मतलब है कि इसका टेक्सचर जो है समान नहीं है, ठीक है ना। तो अगर एनुअल रिंग जो है इधर भी पास पास है तो इधर भी जो है पास पास होनी चाहिए, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ क्या है कि बिल्कुल क्या है कॉम्पेक्टेड है और एक तरफ जो है बिल्कुल जो है क्या है कॉम्पेक्टेड नहीं है, तो वैसा जो है नहीं होना चाहिए। इसका जो है टेक्सचर जो है समान होना चाहिए, ठीक है। अब हम 5वें नंबर में बात करते हैं, तो क्या होना चाहिए, इसमें स्वीट स्मेल आनी चाहिए, ठीक है, SWEET, स्वीट, SMEELL। तो स्वीट स्मेल आनी चाहिए, जैसे कि आप उसे मतलब सूंघोगे तो जो है वो अच्छा लगना चाहिए। कई अगर आप नई लकड़ी को सूंघोगे सूंघोगे तो वो जो है अच्छा उसमें स्मेल आता है, तो वही होना चाहिए। एंड एंड और क्या इसमें जो है करेक्टरिस्टिक होने चाहिए, SHINING, साइनिंग, FRESH, फ्रेश, कट। तो अगर जो है
ये क्या होगा कि इसमें जो स्वीट स्मेल होना चाहिए, इसके साथ साथ जो है अगर हम उसे कहीं से काट रहे हैं तो वो जो जहां से कटेगा तो वहां पे क्या होगी कि नई वुड दिखेगी, नई टिम्बर दिखेगा, नई लकड़ी दिखेगी, तो वहां पे जो है वो चमक आना चाहिए, ठीक है, वहां पे उसमें क्या होना चाहिए, चमक रहना चाहिए। तो जो है आप देखते हो कि मान लो कोई लकड़ी पुरानी है, जब उसे जो है छील देते हो, काट देते हो, तो वो जो चमकने लगता है, तो वैसे ही जो है इसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और जब इसे जो है आपस में दो टिम्बर को जो है आपस में जब हम टकराएंगे तो वहां पे जो है ध्वनि जो है उत्पन्न होनी चाहिए, मतलब जैसे ईंट में हम कह रहे थे कि मेटालिक साउंड जो है वो आना चाहिए, तो इसमें जो है गूंज वाली ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन 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 स्ट्रक STRUCK, व्हेन स्ट्रक SONO, सोनो RUS, सोनोरस RO, सोनो रस SONORUS, सोनोरस साउंड इज TRUDUCE। तो जब इसे दो जो है टिम्बर के टुकड़े को जो है आपस में टकराएंगे तो इसमें जो है सोनोरस साउंड उत्पन्न होना चाहिए, इसका मतलब कि गूंज जैसा, या जो है इसका जो है आप मीनिंग देख लेना, ठीक है ना। तो सोनोरस मतलब कि गूंज जैसा जो है इसमें ध्वनि उत्पन्न होना चाहिए। और क्या था, अनुनाद करके था ऐसे कुछ हिंदी में इसका मीनिंग अनुनाद था, तो वैसे जो है ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए, मतलब गूंज टाइप की ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। और जो एक अच्छी टिम्बर रहेगी तो उसमें जो है डिफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम द, फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स DEFECTS इन टिम्बर। तो टिम्बर में जो है ये डिफेक्ट जो है उससे जो है क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, मतलब कि उसमें जो है जो डिफेक्ट है वो नहीं होना चाहिए। और हैवी वेट, और क्या होना चाहिए इसका जो है वेट जो हैवी होना चाहिए, भारी वेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ये इसकी क्या है प्रॉपर्टीज नहीं है, समझ रहे हो, ये इसकी क्या है प्रॉपर्टीज नहीं है, ये हम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कहीं पे भी कैरेक्टरिस्टिक चीज लिखा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक शब्द कहीं पे भी लिखा जाएगा, तो उसका मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो हम जब टिम्बर प्राप्त करेंगे तो उसमें हो भी सकता है कि उसकी एनुअल रिंग क्या हो, पास पास ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें हमें जब जरूरत होगी तो हम उससे इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि उसकी जो ये क्या हो कि मेडुलरी रे हो वो क्या हो कि पास पास ना हो, दूर दूर भी हो सकती है, उसका कलर डार्क नहीं भी हो सकता है, तो बस समझ गए ना आप। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो हम चाहते हैं कि किसी चीज में हो, ठीक है। तो एक अच्छी टिम्बर में यही क्वालिटी जो है होनी चाहिए, हम तो भाई यही चीजें खोजेंगे कि ये चीजें रहेंगी तो क्या हो, सही हो, बाकी नहीं मिलेगा तो फिर उसका जो है देखा जाएगा क्या होगा, नहीं मिलता है तो फिर भी जो है काम चलता ही है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमें जो है अच्छी चीज प्राप्त हो, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे सीजनिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं SEASONING, सीजनिंग और टिम्बर, ठीक, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो देखो सीजनिंग क्या है कि सीजनिंग जो है वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो टिम्बर होता है उस टिम्बर में जो है नमी जो होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल के उसे यूज करने लायक हम बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम एक पेड़ को काटते हैं तो ये जो है इसकी जड़ें क्या रहती हैं, जमीन में रहती हैं, ठीक है। इसकी जड़ें जो होती हैं वो जो है जमीन में रहती हैं। तो काटने के बाद से अब हमने इसे यहाँ से काट दिया तो हमें क्या होता है कि इसमें से ये हमें बड़ा सा टुकड़ा प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टिम्बर कहते हैं या लॉग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमने जस्ट काटा ही है तो इसमें जो है नमी की मात्रा जो है बहुत ही क्या रहती है, ज्यादा रहती है, ठीक। तो अब नमी की मात्रा इसमें ज्यादा है, नमी की मात्रा ज्यादा है कि क्या मतलब है कि पेड़ ने जो भी नीचे से जो खनिज मिनरल पोषक तत्व खींचा हुआ है
नीचे से, तो वो क्या है उस पेड़ में ही है, इसमें ही है। अब इसको निकालना जो है हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है कि क्योंकि अभी तो इसमें क्या है कि नमी की मात्रा क्या है अभी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम इसको वैसे ही यूज कर लेंगे, अपना कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में, कुछ भी बनाने में हम यूज कर लेंगे, तो बाद में क्या होगा कि ये नमी तो निकल जाएगी ना। अब नमी है जानते ही हो, आप कपड़ा धो के बाहर सुखाते हो तो वो जो है 2 घंटे में सूख जाता है, पूरा जो है पानी निकल जाता है, कपड़ा कितना गीला रहता है पूरा सूख जाता है। तो वैसे भी लकड़ी भी क्या है कि गीली है, तो ये भी जो है 1-2 दिन में नहीं तो 5-10 दिन 20 दिन में 1 महीने में क्या होगी, सूख जाएगी, ठीक है। अब देखो कपड़ा है तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जो है डिफेक्ट नहीं होता है, पानी निकल जाता है तो कपड़ा हमें पहनना रहता है, तो उसमें जो है ज्यादा कुछ नहीं दिखता। लेकिन ये क्या है, लकड़ी है, जब इसमें से पानी निकलेगा ना, इसमें से पानी निकलेगा तो इसमें जो है कई सारे डिफेक्ट होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों के दरवाजे खिड़कियां जो होंगी तो बरसात के दिनों में जो है वो फूल जाती है ऑटोमेटिकली। अब तो कई सारी ऐसी लकड़ियां हैं, आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब बरसात के दिन आते हैं तो लकड़ियां ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाती है, फूल जाती है और दरवाजा जो है जाम हो जाता है, वो जो है बंद नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि प्रॉपर्टी उस लकड़ी का ऐसा मतलब वो है कि वो नमी को क्या कर लेती है, अवशोषित करके फूल जाती है। और गर्मी के दिनों में जो है वातावरण में जो क्या होता है, नमी कम होता है, ठीक है। तो वो जो नमी कम होता है तो वहां से, और गर्मी में जो है बहुत ज्यादा जो है धूप भी निकलती है, तो उसके कारण जो है दरवाजे से जो नमी होती है वो बाहर निकल जाती है और वो जो है क्या होता है कि संकुचित हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण से फिर वो खुलने लगता है और बंद होने लगता है। तो सीजनिंग क्या है, सीजनिंग के द्वारा जो है हम इसमें जो टिम्बर में जो नमी है उसी को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सीजनिंग के द्वारा जो है टिम्बर में जो नमी है उसको हम बाहर निकालते हैं, और बाहर हम इसलिए निकालते हैं ताकि जो है हम इसको अगर स्ट्रक्चर कोई भी बनाए, इसका कोई भी चीज बनाए, कोई भी वस्तु बनाए, तो वो क्या हो कि उसमें डिफेक्ट ना हो, वो क्या हो कि वो जो है जिस जैसा हमने बनाया है, जिस पर्पज के लिए बनाया है, उसका जो है जो उद्देश्य है वो पूर्ति हो, समझ रहे हो। इसी वजह से और क्या चीज होगा कि अगर ये टिम्बर जो है गीली रहेगी, अगर गीली लकड़ी पे अगर हम जो है चाहेंगे कि उस पे जो है डिजाइन कर लें या प्लेन कर लें या और कुछ कर लें, तो क्या होगा कि गीली लकड़ी पे कार्य करना जो है क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। और जब गीली रहेगी तो इस पे हम पेंट करेंगे तो पेंटिंग भी सही से नहीं होगा, ठीक है। और पेंटिंग हो भी जाएगा तो अब ये नमी है तो वो बाहर निकलेगी तो ये पेंट जो है खराब होगा, उसमें डिफेक्ट आएंगे। गीली रहेगी तो क्या होगा कि जो फंगस होते हैं वो जो है इसमें लग जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो अगर कहीं जमीन पे पड़ गए, जहाँ पे मिट्टी है जमीन पे अगर वो पड़ गए, वहां पे अगर पानी वानी है, तो वो उसमें जो है सफेद सफेद काले काले चीजें पड़ जाती है, उसपे से जो मशरूम मशरूम उगने लगता है, ठीक है, ऐसा मशरूम होता है, ऐसा टाइप का उग जाता है। तो इसे जो है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का फंगस है, ठीक है ना। मशरूम क्या होता है, ये फंगस ही होता है, तो इसमें जो है फंगस लग जाते हैं, तो अब ये लग जाएंगे तो क्या होगा, खराब होने लगेगा, ठीक। तो ये कई सारी चीजों को जो है, इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी जो है सीजनिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सीजनिंग की डेफिनेशन, SESONING, सीजनिंग वह PROCEDS, सीजनिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा TIMBER टिम्बर से नमी और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दें मॉइस्चर, मॉइस्चर मॉइस्चर को बाहर निकाल कर उसे यूज करने के लायक बनाते हैं, ठीक है ना। तो सीजनिंग क्या है कि सीजनिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है हम क्या करते हैं कि टिम्बर में जो नमी होती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल के हम जो है उसे यूज करने लायक बनाते हैं, ठीक।
अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके, यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिखते हैं, देखो एक जो टिम्बर होता है ना उसमें जो नमी की मात्रा होती है वो 100 से 200% के बीच होती है, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब हम पेड़ को काटते हैं तो यहाँ पे इस बात को लिख लेते हैं, पेड़ को काटने के बाद उसमें उसमें पेड़ को काटने के बाद उसमें लगभग 100 to 200% नमी उपस्थित होती है, ठीक। तो अगर हम पेड़ को काटते हैं तो उसमें 100 से 2%, 100 से 200% तक क्या रहती है, नमी रहती है, समझ गए ना। अब देखो इसका क्या मतलब है, जैसे कि पेड़ है तो उसको आपने काट दिया, तो इसका क्या मतलब है कि 100 से 200% तक नमी रहती है। तो मान लो कि इसका वेट क्या है, इसका वेट क्या है, W है, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे कि इसमें क्या है 100%, तो 100% क्या है, नमी है, ठीक है ना। तो 100% नमी है, इसका क्या मतलब है कि जो इसमें टिम्बर का पार्ट है वो क्या है, टिम्बर का जो पार्ट है, मान लो टिम्बर का इसमें जो केवल टिम्बर है उसका वेट W है, और W वेट क्या है, इसमें पानी है, समझ गए। तो 100% नमी रहती है, इसका मतलब कि जो खाली टिम्बर रहेगा तो उसका वेट W है और पानी है उसका वेट भी W है। अगर इसमें नमी 200% है, इसका मतलब क्या है कि जो टिम्बर है वो तो क्या है कि W है उसका वेट, और इसमें जो है 200%, यानी कि इसका 2 गुना कर दो, तो बस 2 गुना और पानी है, यानी कि कुल मिला के इसका वेट जो है 3W है। इतना ज्यादा जो है समझने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, नहीं भी समझे हो तो कोई जरूरत नहीं है। अब जो है हम बात करते हैं सीजनिंग के उद्देश्य की, तो यहाँ पे लिखते हैं OBJECTS, ऑब्जेक्ट्स ऑफ SESONING। तो सीजनिंग करने का हमारा जो उद्देश्य क्या है, ठीक है। सीजनिंग तो हम जो है कर रहे हैं किस लिए, उसमें से नमी को निकाल रहे हैं ताकि जो है हम यूज कर पाए, ठीक है। तो हमारा यूज क्या है, वही जो हम जिस चीज के लिए कर रहे हैं वही जो हमारा यूज क्या है, उद्देश्य क्या है। तो हमने ऊपर बात करा कि इसमें जो है नमी नहीं निकालेंगे तो पेंटिंग सही से नहीं होगा, फंगस लग जाएंगे, ठीक है, और फंगस लग जाएंगे इसके बाद से इसका जो वेट रहता है वो भारी रहता है, सरफेस पे आसानी से पेंटिंग नहीं हो पाएगी, आसानी से जो है हम काम करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो यही क्या है कि हम सीजनिंग करें ताकि जो है इस पे पेंटिंग आसानी से हो जाए, फंगस ना लगे, हम इस पे जो है लकड़ी पे काम अच्छे से कर पाए। तो यही सब क्या है, हमारा उद्देश्य है, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ क्या हो, स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहे, तो यही क्या है, हमारा जो है पर्पज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या उद्देश्य क्या है, पहला दूसरा नहीं, तो हम जो है पहला पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ना, उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे लिख लेना उद्देश्य, ऑब्जेक्ट मतलब एक तो होता है वस्तु और एक क्या होता है, उद्देश्य। तो इसका जो है, श्रृंखला SHRINKAGE, श्रिंकेज एंड WARPING, वार्पिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग को कम करना, ठीक है। तो हमारा पहला उद्देश्य क्या है, श्रिंकेज एंड वार्पिंग को कम करना। देखो श्रिंकेज का मतलब होता है संकुचन, जैसे कि मान लो ये कोई इतना, जैसे गुब्बारा जो है बड़ा है और जब हवा हवा निकाल देते हैं तो वो जो है सिकुड़ के जो है इतना सा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, संकुचित हो गया है। और
वार्पिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ये जो है क्या है कि ये लकड़ी का पटरा है, और जब वो उसमें से नमी निकलेगी या नमी रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वार्पिंग हो गया, ठीक है। विरूपण, वार्पिंग को कहते हैं विरूपित होना, तो वो जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसी को कहते हैं। तो अगर हम जो है नमी निकाल देंगे तो ये श्रिंकेज और वार्पिंग की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। इसके बाद से क्या होता है, इसके बाद से हमारा क्या उद्देश्य रहता है, श्रिंकेज, अरे सॉरी, स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ, DURABILITY, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी को बढ़ाना, ठीक। इसमें से जब हम नमी को निकालेंगे तो क्या होगा कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब कि टिकाऊपन, और टिकाऊपन का मतलब होता है कि ये कितने लंबे समय तक चल रहा है, और वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी का मतलब है कि जब वो कारपेंटर जो बढ़ई होता है तो उस टिम्बर से कुछ भी चीज बना रहा है तो उसका जो जो भी टूल होता है उस टिम्बर पे आसानी से तो चल रहा है ना, यही क्या है इसका उद्देश्य है। और वर्केबिलिटी का उस पे जो अगर वो डिजाइन बना रहा है, उसको जो है प्लेन बना रहा है, उसमें कोई कट लगा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है आसानी से हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। वो कार्य करने लायक है टिम्बर की नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्केबिलिटी कहते हैं, ठीक। तो श्रिंकेज एंड वार्पिंग को कम करना, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी को क्या करना, बढ़ाना, और डीके को कम करना, डीके यानी कि क्षरण, DECA, DEC, DECKY, नहीं, DEC, DECAY, DK को कम करना। DK मतलब क्या होता है, विघटन होता है, तो ये जो है नमी ज्यादा होने के कारण जो है खराब ना हो जाए, इसको क्या करते हैं हम लोग, नमी निकाल के कम करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। फिर पेंटिंग के लिए सुटेबल बनाना, PAINTING, पेंटिंग के लिए SUITABLE, सुटेबल बनाना, ठीक। पेंटिंग के लिए क्या करना, सुटेबल बनाना, ठीक। और क्या करना, और WEIGHT, वेट को कम करना। तो ये सारे जो है हमारे क्या है, उद्देश्य हैं। इसके अलावा भी जो है और कई सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये क्या है, मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो जब टिम्बर जो है, जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसमें जो है नमी की मात्रा ज्यादा रहती है, तो हम जो है उसमें नमी की मात्रा निकालते हैं ताकि जो है उसका वेट कम हो जाए, पेंटिंग आसानी से हो, उसका डीके ना हो, और डीके ना हो, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी क्या हो, बढ़ जाए, और श्रिंकेज और वार्पिंग क्या हो, कम हो, और फंगी, FUNGI, फंगी के प्रभाव को कम करने, ठीक। तो उसपे क्या हो कि फंगस भी ना लगे, अगर नमी ज्यादा रहती है तो फंगस के लगने की संभावना क्या रहती है, ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कम करना क्या है, हमारा उद्देश्य होता है। अब जो है हम आते हैं सीजनिंग पर, ठीक है। अब जो है हम आते हैं किस पे, सीजनिंग पे। सीजनिंग को जो है हिंदी में संशोषण कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, संशोषण। ये जो है मैंने डिप्लोमा में जब था, मैं जब डिप्लोमा में था तभी मैंने पढ़ा हुआ था इसको, संशोषण, तो ये याद है। अब जो है हम आते हैं संशोषण पर, इसके विधि पर। तो यहाँ पे जो है बात करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ फिर एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। METHOD, मेथड, और SEASONING, मेथड ऑफ सीजनिंग। तो सीजनिंग के जो है दो मेथड है, एक क्या है, एक है नेचुरल, NATURAL, नेचुरल, SEASONING, नेचुरल सीजनिंग,
और इसी को क्या कहते हैं, एयर, SESONIND। और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल, SESONIND। ठीक है, आर्टिफिशियल सीजनिंग। तो नेचुरल में क्या है कि हम सीजनिंग, देखो सीजनिंग का मतलब क्या है कि जो टिम्बर है उस टिम्बर के अंदर से क्या है कि नमी को बाहर निकाला। ठीक है, तो हम अगर उसे नेचुरली तरीके से निकालेंगे, मतलब नेचुरल में क्या होता है, हमने उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक क्या हो निकल जाएगा, तो वो क्या है, नेचुरल चीज है। और आर्टिफिशियल में क्या होगा कि हम जो है उसे जबरदस्ती निकाल रहे हैं, हम लोग जो है कुछ यूज कर रहे हैं उसे निकालने के लिए, हम जो है किसी चीज का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल। ठीक, तो आर्टिफिशियल में क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल में बात करते हैं तो कृत्रिम तरीके से जो है हम सीजनिंग करने के लिए वाटर का यूज करेंगे, वाटर, वाटर सीजनिंग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और वाटर के बाद से बॉइलिंग हम करेंगे, BOILING, बॉइलिंग। फिर बॉइलिंग के बाद से हम क्या करेंगे, किल्न, KILN, भट्टी का यूज करेंगे। और भट्टी के बाद से केमिकल, CHEMICAL, केमिकल, RSALT, साल्ट। ठीक, और इसके बाद से इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक सीजनिंग। ठीक है, तो नेचुरल में हम क्या करेंगे कि उसे नेचुरली तरीके से करेंगे, और आर्टिफिशियल में जो है हम वाटर का यूज कर सकते हैं, उसको बॉइल करके, फिर से भट्टी में रख के, केमिकल का यूज करके और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो है हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो है सीजनिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो है टिम्बर के मेथड हो गए। अब जो है हम क्या करेंगे कि एक एक को जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये हो जाएगा ए पॉइंट और ए हो जाएगा बी पॉइंट। ठीक है, अब बी में क्या हो जाएंगे ये सारे जो है कंसीडर कर लेंगे। तो जो है हम पहले बात करते हैं ए पॉइंट की, नेचुरल, NATURAL, नेचुरल, आर, एयर, SESONIND, नेचुरल आर एयर सीजनिंग। ठीक है, अब जो है इसके बारे में मैं लिखता हूँ और फिर इसके बाद से मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल सीजनिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है जो टिम्बर होता है उस टिम्बर को ना हम किसी छाए में जो है रख देते हैं। ठीक है, छाए में, जैसे धूप में नहीं छोड़ते हैं उसे, हम पेड़ की छाव में जो है हम उसे छोड़ देते हैं, और वैसे ही छोड़ देते हैं और वैसे ही पड़ा पड़ा रहता है। तो हवा जो होता है ना, हवा जो है क्या होता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, हवा क्या होता है, ये हवा जो है उसके मतलब इस पार से उस पार जो है हवा बहती है, तो हवा जो है सर्कुलेट होता है। और हवा के चलने से क्या होता है, आप जानते ही हो, जब हवा चलती है तो जो नमी है, जैसे मैं कैसे समझाऊं, मैं जैसे मान लो ये समझाता हूँ यहाँ पे, ये एक चीज को मैंने लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नमी की मात्रा ज्यादा है, तो ये नमी की मात्रा ज्यादा है ना, तो जो इसमें से नमी है तो वो जो है यहाँ इसके ऊपर सरफेस पे जो है रहती है, मतलब आ जाती है, सरफेस पे जो है आ जाती है। और जब हवा चलती है तो ये जो नमी है, ये जो नमी के मॉलिक्यूल है, ये हवा के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, और यहाँ जो है खाली हो जाता है, तो फिर से ये इसके मॉलिक्यूल जो है बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हवा रहेगा, आप जान रहे हो कि इसके, और आप छाँव में रखोगे, शेड, शेड में या छाँव में कहीं पे भी रखोगे, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे गर्मी भी होगा, बरसात भी होगा, और इसके बाद से ठंडा भी होगा, तो वहां पे टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो है वैरी करती रहती हैं। इसके हिसाब से जो है क्या होता है कि इसमें जो नमी होती है वो क्या होती है कि सरफेस पे आती है, और जो है यहाँ से ये जो हवा है इसको जो है उड़ा कर लेके चली जाती है। तो ऐसे जो है इसका सीजनिंग होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं नेचुरल सीजनिंग या एयर सीजनिंग। तो ये सीजनिंग कैसे होती है, SESONING सीजनिंग में टिम्बर को SHED शेड शेड या छाव कह सकते हैं, शेड में रख देते हैं और हवा के CIRCULATION हवा के सर्कुलेशन द्वारा टिम्बर से नमी बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो हम जो है टिम्बर को एक ऐसे जो है यहाँ पे ये जो है क्या हो गया, टिम्बर हो गया, और फिर इसके ऊपर से ऐसे, फिर इसके ऊपर जो है ऐसे टिम्बर को सजा के रख देते हैं। और इसमें से क्या होता है कि अगर ऐसे डायरेक्शन में हवा बहेगी तो समझ रहे हो ना, इसका जो है 3D फिगर देखो तो ये है, तो इसके उधर भी होगा। फिर अगर ऐसे हवा चलेगी तो इनमें से क्या होगी, ये पास होगी, तो हवा के सर्कुलेशन के कारण जो है इसमें जो नमी रहती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और क्या होता है, इसका सीजनिंग होता है, यानी कि इसमें जो जो बहुत ज्यादा जो नमी रहती है वो क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, और इसमें जो हमें पर्याप्त तो मात्रा में जो नमी चाहिए वहां तक क्या होती है कि वो आ जाती है। ठीक, तो इसको जो है नेचुरल सीजनिंग कहते हैं या एयर सीजनिंग कहते हैं, क्योंकि जो है ये जो है इसमें हवा जो है, हवा का जो है क्या रहता है, ज्यादा रोल रहता है। ठीक है, अब ये क्या है कि नेचुरल प्रोसेस है, इस वजह से क्या है कि देखो इसमें जो कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो इसमें जो टिम्बर हमें प्राप्त होगा ना उसमें जो है क्या होगा कि स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और भी हम सीजनिंग करेंगे जो हमने आर्टिफिशियल में लिखा है उन सारे की तुलना में जो है, जो नेचुरल सीजनिंग के द्वारा जो हमें टिम्बर प्राप्त होगी उसकी क्या होगी कि स्ट्रेंथ जो है ज्यादा ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात को हम लिखते हैं। SESONING इस सीजनिंग द्वारा प्राप्त टिम्बर की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक, SESONING सीजनिंग द्वारा प्राप्त टिम्बर में नमी की मात्रा 12 to 15% होती है। ठीक, यहाँ पे इस लिख लेना। तो एयर सीजनिंग के द्वारा जो टिम्बर प्राप्त होगा उसमें जो नमी की मात्रा रहेगी वो 12 से 15% तक रहती है। ठीक है, इतना जो है, इतना तक जो है हम ला देते हैं, और इसमें जो है नमी की मात्रा 12 से 15% तक रहती है। हम जो है चाहे तो उसको जो है पूरा सुखा सकते हैं, लेकिन उसमें नमी की मात्रा भी रहना क्या होता है, जरूरी रहता है, ताकि जो है अगर जानते ही हो कि अगर थोड़ी सी नमी रहती है तो नमी रहने के कारण कोई भी चीज क्या होता है, नरम रहता है, सॉफ्ट रहता है। ठीक है, तो 10 12 से 15% तक नमी नमी हम जो है इसमें छोड़ देते हैं, इतना तक ही हम करते हैं। अगर चाहते तो हम इसे पूरा भी कर सकते थे, लेकिन पूरा नहीं निकालते नमी को, क्योंकि जो है उस पे कार्य करना ना मुश्किल हो जाएगा। जो टिम्बर होगा वो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होने के कारण जो क्या होगा कि उस पे कार्य करना जो है मुश्किल हो जाएगा। ठीक है,
तो इस वजह से इसमें हम जो है 12 से 15% तक नमी को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इस PROCESS प्रोसेस में एक साल या अधिक समय लगता है, ठीक। तो ये जो नेचुरल सीजनिंग है, इस अगर हम नेचुरल सीजनिंग कर रहे हैं तो नेचुरल सीजनिंग जब हम करेंगे तो इसमें जो है होने में क्या होगा कि 1 साल तक का क्या होगा कि समय लग सकता है, ठीक है। 1 ईयर तक का जो है इसमें समय लग सकता है या इससे भी ज्यादा। तो ये क्या है कि एयर सीजनिंग या नेचुरल सीजनिंग के जरिए जो है हमें जो टिम्बर है उसमें स्ट्रेंथ तो मिल रहा है, लेकिन क्या है कि इसमें जो है टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक। तो अगर हम ऐसा मान के चले कि अगर हमें पहले से पता हो कि हमें जो है अगले साल तक जो है इस टिम्बर को यूज करना है तो जो है हम नेचुरल सीजनिंग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल बहुत फास्ट जमाना है, हर चीजें जो है जल्दी जल्दी हो रही है, तो अगर हमें जो है जल्दी टिम्बर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें क्या चाहिए जल्दी चीजें चाहिए तो उसके लिए हम जो है क्या क्या करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल तरीका जो है अपनाते हैं, कृत्रिम तरीका। हम चाहते हैं हर चीज क्या हो जल्दी जल्दी हो जाए, तो जल्दी जल्दी करने के लिए हम जो है वाटर बॉइलिंग, किल सीजनिंग, केमिकल साल्ट और इलेक्ट्रिक सीजनिंग का जो है हम यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें जो है हम नमी की मात्रा को 12 से 15% तक जो है ला देते हैं, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग के जरिए। तो आर्टिफिशियल सीजनिंग में जो है हम बी नंबर पे बात करते हैं, ARTIFICIAL आर्टिफिशियल, SESONING, ठीक। तो इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल सीजनिंग में कि 5 से 10 दिन में जो है क्या होता है कि टिम्बर की जो है सीजनिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 to 10 days के भीतर TIMBER टिम्बर, TSEASONING सीजनिंग हो जाती है, ठीक। तो इसमें जो है 5 से 10 दिन के अंदर क्या होता है टिम्बर की सीजनिंग जो है हो जाती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल सीजनिंग के लिए जो है 5 से 10 दिन की जो है आवश्यकता होती है, ठीक। तो ये चीजें हैं। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है सारी चीजों के जैसे कि वाटर सीजनिंग क्या है और इसके बारे में जो है मैं बस बता देता हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो जो है लिख लेना, क्योंकि अब इसको जो है लिखाना जो है टाइम वेस्टिंग होगा और ज्यादा जो है एग्जाम में पूछता, मतलब बस यही पूछता है कि जो है वाटर सीजनिंग क्या है, बॉइलिंग सीजनिंग क्या है, मतलब आर्टिफिशियल में क्या है, ये सारी चीजें अभी तो मैंने देखा नहीं है। यहाँ पे जो है ये बात याद रखने वाली है कि जो एयर सीजनिंग के द्वारा जो है जो नमी की मात्रा है वो 12 से 15% तक जो है प्राप्त होती है। अब आर्टिफिशियल सीजनिंग में देखो क्या है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, यहीं पे मैं लिखता हूँ, लिखूंगा नहीं बस फिगर बना के मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो पहला नंबर क्या है, वाटर सीजनिंग, WATER और वाटर SESONING, ठीक। तो देखो वाटर सीजनिंग में क्या है कि ये ना ये क्या है, ये चैनल है, ठीक है, चैनल है, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, वाटर स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम का मतलब जल धारा, ठीक है।
अब जब हम जल धारा कहते हैं तो ये जो है कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि ये क्या हो, नहर हो सकता है कि क्या हो, ये नदी हो। या अगर आप पहाड़ी वाले इलाकों में रहते होंगे तो वहां पे देखते होंगे पहाड़ों से क्या होता है कि एक पतली सी नाली के रूप में जो है पहाड़ों का जो पानी है वो क्या होता है कि नीचे बहता रहता है, तो वो क्या होता है, वो स्ट्रीम होता है, जल धारा होता है, वाटर स्ट्रीम। ठीक है, तो नहर हो गया, नहर हो गया, और बरसाती नाला भी हो सकता है, और इसके बाद से नदी भी हो सकता है, और पहाड़ों पे जो पानी बहता रहता है वो भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारा टिम्बर होता है, टिम्बर को हम ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, टिम्बर को हम क्या करते हैं, ऐसे जो है इसमें डाल देते हैं। ठीक, अब देखो पानी जो है इसमें बह रहा है इधर से इधर की तरफ। ठीक, और हमने क्या किया है कि टिम्बर को ऐसे डाल दिया है। तो देखो हम जब टिम्बर को इसमें डालेंगे तो हमारा मेन पर्पज ये रहेगा कि ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो इसका जो है क्रॉस सेक्शनल, जिधर साइड का जो है इसका मुंह चौड़ा होगा, मतलब डाया ज्यादा होगा, उसको जो है हम पानी के अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। पानी जिधर से बह रहा है उधर की दिशा में। ठीक है, अब क्या होगा कि ये पानी आएगा तो यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे टकराएगा। ठीक है, और पानी जो है इसमें क्या करेगा कि प्रवेश करेगा, और इधर से क्या है कि जो पेड़ में जो इसका सैप होगा, जो मिनरल होगा, जो रस होगा, वो क्या होगा कि इस साइड से जो है बाहर निकलेगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे ही ये पड़ा रहेगा पानी में, और इधर से जो है पानी प्रवेश करेगा, और इधर से जो है इस जो पेड़ का जो मिनरल है, जो पेड़ का सैप है, वो क्या होगा कि इस साइड से पीछे की तरफ से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो जो भी सैप था वो बाहर निकल जाएगा, और सैप के स्थान पे क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। ठीक है, और फिर से जो है हम इसको आसानी से बाहर रख के सुखा देंगे। अब जानते हो वाटर जो होता है वो आसानी से क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये केवल और केवल वाटर होता है। अगर आप पेड़ की सैप की बात करें तो उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं, खनिज होते हैं, तो उसको थोड़ा सा निकलने में क्या होता है, टाइम लगता है, वो क्या होता है, गाढ़ा होता है। इस वजह से जो है हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाटर सीजनिंग। अब जो है इसमें लिखने लायक क्या है, और ये एग्जाम के लायक भी मतलब उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ से कुछ पूछेगा तो बस हम क्या करते हैं, इसमें वाटर में ऐसे रख देते हैं, एक तरफ से पानी बहता है, इधर से टकराता है, पानी इधर से प्रवेश करता जाता है इसमें, और इधर से जो है जो इसका सेप है वो बाहर निकल जाता है। अब दूसरा क्या करते हैं, बॉइलिंग के द्वारा, BOILING। तो दूसरा हम इसी टिम्बर को क्या करते हैं, पानी में रख के उबाल देते हैं। तो उबाल देते हैं तो जानते हो किसी भी चीज को आप उबाल देते हो तो उसमें का जो भी चीज रहता है वो सीधा सीधा पानी में घुल जाता है। तो अगर हम इसे उबाल देंगे तो इसमें का जो सैप रहेगा वो पानी में मिक्सअप हो जाएगा, और पानी में मिक्स होकर बाहर आ जाएगा। आप किसी भी चीज को उबाले होंगे तो आप देखते हैं, जैसे चाय पत्ती होता है, तो चाय को उबाल देते हो तो चाय का जो भी अंदर का जो भी उसमें का चीज रहता है वो जो है पानी घुल जाता है वाटर में, और चाय बन जाता है, उसका स्वाद सारा पानी में आ जाता है। तो ऐसे हो गया वाटर बॉइलिंग सीजनिंग। फिर क्या है, किल्न सीजनिंग। तीसरे नंबर पे क्या है, किल्न सीजनिंग, KILN। किल्न का मतलब होता है भट्टी, किल्न का मतलब क्या होता है, भट्टी। तो अब इसमें क्या करते हैं कि टिम्बर को जो है ऐसे जो है सजा के, ये हो गया इसके नीचे, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये भट्टी में जो है टिम्बर को ऐसे सजा देते हैं चट्टू में, और भट्टी में क्या करते हैं कि वो पूरा पैक रहता है, और उसमें जो है गर्म गर्म गैसें जो है प्रवाहित होती हैं। तो जब गर्म गैसें प्रवाहित होती हैं तो इनमें से जो है विचरण करेंगी, तो जिसके कारण क्या होगा, अब जान ही रहे हो कि कोई भी चीज गर्म करोगे तो कोई भी चीज क्या होता है, पिघलने लगता है। तो ये इसमें की जो नमी है वो निकलने लगेगी, ये सूख जाएगा और ये नमी निकल जाएगी। ठीक है ना, जब गर्मी होती है तो पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ता है। तो इसमें का भी जो हवा, जो गर्म गैसें होंगी या गर्म जो हवा होगा, जब इसमें से इधर उधर पास होगा तो इसमें का जो भी नमी होगा वो क्या होगा कि भाप बनेगा। ठीक है, जो भी इसमें का सैप होगा वो क्या होगा, भाप बन के और हवा के साथ क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किल्न सीजनिंग हो गया, और इसके बाद से क्या हो गया, साल्ट सीजनिंग। चार नंबर पे SA, नहीं, केमिकल, CHEMICAL, केमिकल, R SALT।
साल्ट, SESONING, साल्ट सीलिंग। तो इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें हम जो है नॉर्मल साल्ट यानी कि NaCl यूज करते हैं, आर NaCl या यूरिया, UREA यूरिया यूज करते हैं। ठीक, तो साल्ट सीजनिंग में ये जो याद करने लायक है, इसमें जो जो हम नमक खाते हैं वो वाला नमक यूज कर सकते हैं। अब भाई इसको सीजनिंग करने के लिए आप टाटा वाला नमक का यूज मत करना, ठीक है। टाटा वाला नमक में आयोडीन मिला होता है, वो स्पेशली खाने के लिए आता है। पहलवा जो छोटे बचपन में हम लोग थे, अभी भी शायद मिलता है दुकानों पे, जो एक रोड़ा वाला जो नमक होता है, ठीक है, कहाँ कहते हैं, एक रोड़ा वाला नमक मिलता है, उसमें जो है आयोडीन नहीं होता है, वो जो है डायरेक्टली जो है जहाँ पे नमक बनता है वहीं से सीधा जो है लाया जाता है। तो इस रोड़े वाले नमक को जो है हम यूज कर सकते हैं, और यूरिया जो होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या रीजन होता है, इसमें कंसेप्ट क्या है सीजनिंग का, तो मैं यहाँ पे टिम्बर को बना देता हूँ और इसका कंसेप्ट भी समझा देता हूँ, ठीक है। ये पीथ हो गया, ये एनुअल रिंग हो गया, और ये क्या हो गया, मेडुलरी रे हो गया, ठीक है, ये पीथ हो गया। तो देखो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, वेपर वेपर प्रेशर का जो है कंसेप्ट होता है, ठीक है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ठीक है। तो आप जो है जानते हो कि जो नमक है या यूरिया है, आपने देखा होगा अगर आपने नमक को खुला छोड़ दिया, नमक को खुला छोड़ दिया तो वो जो है पसीजता है, ठीक है, आदमी कहते हैं कि वो पसीजता है, यानी कि नमक जो क्या है पूरा सूखा हुआ है, थोड़ी देर के बाद देखोगे तो वो पूरा एकदम मतलब गीला हो जाएगा। यूरिया खाद भी जो होती है आपने देखा होगा, वो अगर खुला हम छोड़ देते हैं तो वो पसीज जाता है, पूरा जो है गीला हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि इसमें जो है वाष्प जो दाब होता है, वेपर प्रेशर, वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो और वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो आप जो है देखे होंगे टीवी में या फिल्मों में या कहीं पे भी देखे होंगे कि फिल्मों में क्या होता है, एक जार होता है, ठीक है, एक जार होता है, उसमें जो है थोड़ा सा लिक्विड भरा रहता है और वो क्या होता है, उबलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना, क्या होता है, उबलता रहता है, ठीक है। तो वो क्या रहता है, उबलता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा जो है हम जो हमारा जो पानी है वो भी क्या हो सकता है, उबल सकता है, ठीक है। तो हमारा पानी जो है क्यों नहीं उबलता, क्योंकि देखो ये जो मान लो कंटेनर में पानी है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो एटमोस्फियरिक जो प्रेशर होता है वो इतना ज्यादा होता है कि ये जो है उबलता नहीं है। अगर जो है ये एटमोस्फियरिक प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, एटमोस्फियरिक प्रेशर अगर कम होगा तो ये जो है भाप बन के उड़ने लगेगा, ये भी क्या होगा, उबलने लगेगा, समझ रहे हो। तो ये वेपर प्रेशर कहते हैं, वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब, ठीक है। तो अब क्या होता है, वाष्प दाब, तो ये जो नमक होता है और यूरिया होता है, जब हम क्या करते हैं कि इसके सरफेस पे, अब मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ, जो यूरिया होता है और जो नमक होता है, जब हम इसके सरफेस पे क्या करते हैं, लेप लगा देते हैं, ठीक है, इधर क्रॉस सेक्शन पे भी हम लगा देंगे। तो जब हम लेप लगा देते हैं इधर, तो क्या होगा कि इधर का जो बाहर का जो वेपर प्रेशर है, बाहर का जो वाष्प दाब है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। बाहर का जो वाष्प दाब होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जानते हो प्रेशर की एक खास बात होती है कि जो पानी होता है, पानी जो है पाइप में फ्लो करता है, हम मान लो पाइप में जब हम मोटर चला देते हैं तो सीधा जो है टंकी में चढ़ जाता है, ऊपर टंकी में पानी क्या होता है, चढ़ जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि पानी जो है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, ट्रैवल करता है। पानी क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे जो है हम NaCl और यूरिया का लेप लगा देते हैं, तो बाहर का जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, वो अंदर के प्रेशर से क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से जो अंदर का जो क्या होता है, सैप होता है, वो जो है इधर की तरफ लेटरल डायरेक्शन में जो है क्या होता है, ट्रेवल कर जाता है, लेटरल डायरेक्शन में जो है ट्रेवल करके, या अगर हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगाएंगे तो इधर की जो है ट्रेवल करके आ जाता है और नमी जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसा होता है, ठीक, इसमें जो है वेपर प्रेशर का कंसेप्ट है।
NaCl और यूरिया के लगाने से वाष्प दाब जो है वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम होने के कारण जो है जो इसमें की नमी है जो सैप है वो जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, ELECTRIC इलेक्ट्रिक, SESONIN। अब इलेक्ट्रिक सीजनिंग में क्या होता है कि देखो जो करंट होता है आप जान रहे हो, करंट 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 जो होता है उसके लिए करंट को फ्लो करने के लिए हम जो है तांबे का यूज सॉरी तार का यूज करते हैं, वायर का। ठीक है ना, और जो तांबा का तार होता है, कापर का जो वायर होता है वो क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। देखो बेस्ट कंडक्टर तो चांदी होता है, लेकिन चांदी को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि चांदी को यूज करोगे तो चुरा लेंगे सब। तो चांदी के बाद क्या होता है, लोहा होता है, लोहे को अगर हम यूज करेंगे तो उसमें जो है जंग लग जाती है, तो इसलिए हम जो है कापर का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक, तो ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, इसमें से जो है आसानी से जो है क्या होता है कि करंट फ्लो कर जाता है। लेकिन अगर हम टिम्बर का यूज करें तो टिम्बर में क्या है कि शुरुआत में नमी ज्यादा रहती है, समझ रहे हो, तो नमी ज्यादा रहेगी तो आप जानते हो कि जब पानी नमी के टच में आते हैं करंट, तो करंट लग जाता है नमी कहीं पे रहती है तो एक तरफ से जो है, एक तरफ जो है दोनों तरफ जो है इसके इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मान लो कि इधर से जो है करंट को फ्लो कराएंगे और इधर की तरफ जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या रहता है कि नमी रहता है। ठीक है ना, अब देखो ये क्या है, ये तार तो है नहीं, ये तार तो है नहीं कि जो करंट क्या हो कि आसानी से इधर की तरफ फ्लो कर जाए। इसमें क्या है, नमी है, और नमी ही क्या करेगा, करंट को फ्लो होने देगा। तो इसमें जो है प्रॉपर जो है करंट के फ्लो ना होने के कारण जो है इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, प्रतिरोध। ठीक है, क्या होता है, प्रतिरोध जो है उत्पन्न होता है, और जब ये प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो क्या होता है, ये गर्म होता है। ठीक है, और जब ये गर्म होगा तो इसमें का जो नमी है, जो भी पोषक तत्व तो है, जो मॉइस्चर है इसमें का, वो क्या होगा कि वो भी क्या होगा, गर्म होगा, और वो जो है भाप बन के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जब आप पानी को गर्म करते हो तो पानी से क्या होता है, वो भाप बन जाता है और भाप बन के बाहर निकल जाता है। ठीक ठीक उसी तरीके से जब हम इसको फ्लो कराएंगे तो ये क्या होगा, इसमें जो है हीट उत्पन्न होगा, गर्मी उत्पन्न होगी, और उसी गर्मी के कारण जो इसमें की जो नमी है वो भाप बनेगी और भाप बन के क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो कि रेजिस्टेंस कैसे उत्पन्न होगा, गर्मी कैसे उत्पन्न होगा, तो आपने तो हीटर देखा होगा ना, हीटर देखा होगा, हीटर जो है ऐसे रहता है, खाना बनाते हैं जो हम लोग, ठीक है, ऐसे जुड़ा रहता है। तो इस तरफ से जो है करंट को प्रवाहित करते हो तो ये क्या होता है कि इधर की तरफ ट्रेवल करता है और इधर की तरफ जो है इस वाले वायर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक, अब ये जो तार होता है इसमें जो है इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, उस जो विद्युत है करंट का जो है फ्लो होता है उसका कंडक्टर नहीं होता है, बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट चालक नहीं होता है। इस कारण से जो है इस वायर में रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, प्रतिरोध, और उसी प्रतिरोध के कारण क्या होता है कि ये गर्म होके लाल हो जाता है पूरा। आप देखते हो गर्म होके पूरा एकदम क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, लाल हो जाता है, और इसमें से कितना ज्यादा ऊष्मा निकलती है उसी पे हम खाना बनाते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि ये गर्म होके लाल तो नहीं होगा, लेकिन उस गर्मी के कारण क्या होगा कि जो इसमें का नमी रहेगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सीजनिंग करते हैं। ठीक है, तो हमने जो है नेचुरल सीजनिंग और आर्टिफिशियल सीजनिंग के बारे में पढ़ लिया है, मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है लिखने की कहीं पे जरूरत होगी। बस ऐसे ही, ये ज्यादा कुछ जो है एग्जाम में नहीं पूछता है। अगर आप बीटेक में पढ़ रहे होगे या जो है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे होगे तो जो भी चीजें मैंने बताई वो जो है लिखने की जरूरत होगी, तो बस जैसे भाषा में हमने समझा है वैसी भाषा में लिख देंगे। ठीक है, और इसमें कुछ करना नहीं है, तो बस आज के लेक्चर को जो है यहीं पे रोक देते हैं। अब इसके आगे जो सीजनिंग है, इस सीजनिंग से रिलेटेड जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो है यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लिखेंगे उसके बारे में, और फिर जो है हम उसके आगे जो है जो टिम्बर है, टिम्बर के कन्वर्जन की बात करेंगे कि जो टिम्बर है उसकी हम चिराई जो है किस पैटर्न में करें ताकि जो है हमें बेस्ट
लकड़ी बेस्ट लकड़ी प्राप्त हो, बेस्ट टिम्बर प्राप्त हो हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद से हम इसके प्रिजर्वेशन के बारे में या डिफेक्ट्स के बारे में जो है हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो अब तक के लेक्चर में जो है अगर आपको कहीं दिक्कत है तो जो है आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और बाकी कुछ भी इसके बाद भी सवाल हो तो जो है आप जरूर से पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।